थोड़ा सा इंटरेक्शन बहुत सही मशवरा आपने दिया है। सर मैं चाहूंगा कि हजरात की मुख्तसर वक्त में थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग सवाल जवाब करें सर, उसकी मतलब आज की तकरीब की जो मैं कहना चाहूँगी मकसदियत की अफादियत बढ़ जाएगी। बहुत सही मशवरा आपने दिया है। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इजाजत हो तो कि जो नसाब है दीनी नसाब जो है उसमें अगर आज वक्त की जो बड़ी बहुत अहम ज़रूरत है वो है कहना चाहिए कि सियासत, और सियासत के जरिए ही हम मुक्तदर हो सकते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकते। सियासत दीन से कोई अलग चीज़ हम लोग नहीं समझते हैं। हो सकता है ये गलतफहमियाँ हैं। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है कि निसाब में जब हम कहना चाहिए कि बहुत जो करीम जो है सिलेबस में जो कुछ रखा हुआ हमने उसमें क्या ये आज की जो हमारी सियासत पॉलिटिकल साइंस क्या उसको शामिल किया जाने की गुजारिश है? देखिए ऐसा है कि जब भी ये सवाल होता है किसी भी हल्के की तरफ से तो आमतौर से होता यह है कि मसलन अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में है तो आपने मशवरा दिया कि क्या पॉलिटिकल साइंस को हम निसाब तालीम में ऐड कर सकते हैं या नहीं। मसलन एक डॉक्टर थे मेरे ससुराली रिश्तेदार होते हैं अमरीका में, वो साइकाइट्रिक हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हम ये फन मदरसे में दाखिल कर सकते हैं। तो जिसका जो इंटरेस्ट है वो उस ताल्लुक से गुफ्तगू करता है। मेरा अपना मानना यह है कि जो जिनको हम लिबरल आर्ट्स कहते हैं उसको मदरसे के स्टूडेंट्स को सीखना और सिखाना चाहिए। उसमें जो पूरा जिसको आज हमारे यहाँ की इस्तेलाह में हम उसको ह्यूमैनिटीज कहते हैं, अमेरिका में उनको लिबरल आर्ट्स कहते हैं, जो भी है मदरसे के स्टूडेंट को वो आना चाहिए। अब सवाल यह है कि निसाब में उसको दाखिल करके पढ़ाएं या उसको कहीं और ले जाकर पढ़ाएं। देखिए ये एक इतनी तवील बहस है जिसकी बुनियाद पर एक तकसीम अमल में आई है दो मदरसों के दरमियान। तो जब मदरसों ने तकसीम को गवारा कर लिया तो हम ये कैसे मान लें कि हम कुछ लोग मशवरा देंगे और मदारिस और कुछ हजरात तैयार हो जाएंगे, हाँ जी हम अपने निसाब के अंदर तब्दीली करते हैं। इसलिए बेहतर ये है, बेहतर ये है कि मेरा अपना एक आइडिया है मसलन निसाब तालीम के ताल्लुक से, मैं उस आइडिया को लेकर खड़ा हूं, चलूं, इदारा बनाऊं, चंद स्टूडेंट तैयार करूं, नमूना कौम के सामने पेश करूं और वह तजुर्बा जब मैं कर लूं तो लोगों को बताऊं कि यह मेरा तजुर्बा है, यह है मेरा अमल सालेह। होता यह है कि हम मशवरा तो देते हैं लेकिन वो मशवरे के बाद आगे नहीं बढ़ते, और यही वजह है कि दूसरी तरफ से उस मशवरे को कोई अहमियत नहीं दी जाती। अगर एक नमूना हम पेश कर दें, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस ताल्लुक से 70 सालों में कोई खास कोशिश नहीं हुई, पेशरफ नहीं हुई, मशवरे बहुत आए, तालीमी कॉन्फ्रेंसें हुई, निसाब तालीम के ऊपर बड़ी गुफ्तगू, लंबी लंबी किताबें लिखी गई इस मौजू पर, लेकिन कोई इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि मैं एक ऐसा आइडियल स्कॉलर कौम को देना चाहता हूं कि जो असरी और दीनी तालीम का हसीन संगम और इम्तिजाज हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस तरफ हम कदम उठाएं और दानिश्वर तबका और इसी तरीके से उलमाए दीन का तबका ये करीब आए और अपने अपने तजुर्बों की बुनियाद पर एक ऐसा वसी निसाब तालीम मुरतब हो जिसको हम ट्रायल पीरियड में कुछ साल चलाएं और उस बात देखें कि उससे क्या नतीजा निकलता है। आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने पास जो नेगेटिविटी है उसको कम से कम करें और पॉजिटिव में सोचें, लेकिन मेरा इत्तफाक इस बात से नहीं है, वो सिर्फ आपकी बात नहीं है बल्कि दुनिया में अगर ये पोल कराया जाए तो 90% लोग कहें कि मीडिया नेगेटिव है। वो मीडिया जो है वो एक पंचिंग बैग बन गया है, उसमें मैं इसकी दफा के यहाँ खड़ा नहीं हूँ कि कितना सही है, लेकिन जरूरत सबको है। हर कोई ये कहता है खासकर मुसलमानों के बीच में जाए तो मीडिया सारी दुनिया का मीडिया जो है हमारे खिलाफ है, लेकिन वो उसकी जरूरत को से इनकार नहीं कर सकता, उसकी अफादियत से इनकार नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं ये सोच पैदा हो कि बजाय इसको, चूंकि हम दाई है, हमारी उम्मत जो है दावत देने वाली है, अगर दावत देने वाली कौम ये सारी दुनिया को दुश्मन समझ ले तो दावत कैसे पहुंचाएगी? तो उसको ये बजाय ये कि ये हमारा जो दुश्मन है वो क्यों नहीं समझे कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, मीडिया जो है वो उसको कैसे अपने फायदे के लिए या अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। अगर ये हमारी थिंकिंग हो, ये सोच पैदा हो, तो क्यों नहीं तारिक फतेह जैसा आदमी भी वो हमारी बातें करना सुनने को तैयार हो और वो उसकी सोच बदल जाए। तो एक तो ये हुई, दूसरी बात ये कि उसके लिए कौन लोग करेंगे,
उसके लिए क्या ये जरूरत, इस जरूरत को महसूस नहीं किया जा सकता कि हमारे बीच में उसकी तहरीक चलाई जाए कि हमारे बच्चों को मेन स्ट्रीम मीडिया से जोड़ा जाए, उसके तरफ उनकी सोच पैदा की जाए कि वो अखबार में जाएं, वो टीवी चैनल्स में जाएं, वो और दूसरे भी जितने भी वसाइल मौजूद हैं उसका इस्तेमाल करें, उस इस्तेमाल करने से पहले वो बने, वो सहाफ़ी बने, उसको ही समझें, इसकी अफादियत को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे मीडिया में जाएं ताकि वो इसको जहाँ भी रहें वो कम से कम अगर ईमान उनके अंदर बाकी है तो उनको कुछ हमला हो रहा है या जो आपके खिलाफ लिखा जा रहा है उसकी दफा में ना 100% 25% तो करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। दो तीन जवाब मेरे जहन में आए, पता नहीं कौन सा सबसे पहले जबान से निकलेगा। आपने एक चीज़ जिक्र की कि किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए तो मीडिया के लिए क्यों है? देखिए, मीडिया एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज है और हदीस में जिसका जिक्र है वो है फर्ज। अफराद के खिलाफ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट और एक टूल, एक हथियार पूरी उम्मत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो जाहिर है कि उम्मत में ये फीलिंग आना नेचुरल है, इसको आप रोक नहीं सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने जैसे जिक्र किया कि हम मीडिया में जाएं और हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आएं और ताकि वहां का मंजरनामा बदले, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या किसी चैनल में जॉब कर लेना उस चैनल की पॉलिसी को तब्दील करने के लिए काफी है? कतई नहीं। हाँ, ये तो हो सकता है कि हम मशवरा दें कि भाई मुसलमानों का अपना एक अलग टीवी चैनल होना चाहिए, यह मशवरा बहुत लोग देते आए हैं, अल्लाह जाने की उस पर अमल नहीं होता। लेकिन अगर हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम मीडिया में चले भी गए, वो एंकर बन भी गए, वो रिपोर्टर बन भी गए, और ऐसे हैं बहुत बड़ी तादाद में, ऐसा नहीं है कि मीडिया बिल्कुल खाली है मुसलमानों से, लेकिन जो चैनलों की पॉलिसी है, यानी आप हैरत करेंगे कि जी न्यूज पर जिस पर फतेह का फतवा आता है उसमें बहुत बड़ी तादाद जो काम करती है बैक स्क्रीन वो मुसलमानों की है। मेरे पास एक साहब ने मुझे विजिटिंग कार्ड दिया, एक साहब का जो उसके प्रोड्यूसर है मुसलमान है। तो फतेह का फतवा शो है, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है हर हफ्ते, जिसके खिलाफ हम तहरीक चला रहे हैं। तो मैं तो यही समझ रहा था कि इस पूरे काज के पीछे हर आदमी आरएसएस से जुड़ा होगा, लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि उसमें बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की काम करती है। और मैं उनको ब्लेम नहीं करता, ये उनकी जॉब है, जब उनको कहीं जॉब नहीं मिली तो जहां भी मिल रही है उनके लिए गनीमत है। तो ये तो हम मशवरा दें कि हमारा अपना मीडिया होना चाहिए और जितने नहीं है तो सोशल मीडिया के जरिए हम तब्दीली लाने की कोशिश करें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है और मुझे लगता है कि उसके असरात महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन खाली मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आना ये काफी नहीं है, किसी जगह मुलाजमत कर लेना। एक आखिरी बात आपके इस सवाल के ताल्लुक से, कुछ दिन पहले मौलाना महमूद साहब इससे वाकिफ है, हमारा जो पूरा कोर ग्रुप है जो इस तहरीक से वाबस्ता रहा वो इससे वाकिफ है कि हमने देवबंद में जो सेक्युलर चेहरे हैं मीडिया के उनको बुलाने की कोशिश की ताकि एक डायलॉग का आगाज हो, हम उनको समझें और वो हमें समझे। और यही मेरी, समझ लीजिए कि आजकल ये फिक्र रहती है कि किसी तरह डायलॉग का आगाज होना चाहिए मुख्तलिफ हलकों में और मुख्तलिफ सर्कल्स में। तो सबसे पहले जो नाम आया वो था रवीश कुमार का, रवीश कुमार को बुलाना चाहिए। एनडीटीवी पर उन्होंने बड़ा जबरदस्त प्राइम टाइम शो किया जिसमें उन्होंने बाकायदा अपोलोजाइज किया कि आसाम के अंदर जो अपील थी वो अपील थी, फतवा नहीं था। तो एक ऐसा शख्स जो प्राइम टाइम पर आकर और ऐसा चैनल जो पूरे दिन की खबर के बाद अपोलोजाइज करे, उससे ज्यादा लिबरल और सेक्युलर कौन हो सकता है? तो मैंने रवीश कुमार को मैसेज किया और उनको बाकायदा इन्विटेशन भेजा कि आप देवबंद आएं। और देवबंद में मैंने दारुल देवबंद के कुछ असातिज़ा से बात की, वफ़ दारुल देवबंद के कुछ असातिज़ा से बात की, और ये लोग तैयार थे कि जब इस तरह का एक प्रोग्राम होगा उलमा और मीडिया और खुसूसन सेक्युलर मीडिया और नॉन मुस्लिम में हो तो उससे यकीनन एक मुस्बत पैगाम जाएगा। तो रवीश कुमार ने मुझे जवाब दिया व्हाट्सएप पर, उन्होंने कहा कि देवबंद की सियासी अहमियत खत्म हो चुकी है और उसका सामाजिक किरदार कोई नहीं, मैं खंडरों में आना पसंद नहीं करता। ये मैं एग्जैक्ट अल्फाज आपको बता रहा हूं, बिल्कुल यही अल्फाज, इसमें ना कोई कमी है ना कोई बेशी। तो हमारी तरफ से कोशिश हुई कि हम मीडिया को समझें और अपनी बात मीडिया को समझाएं, और हमने आगाज जी न्यूज से नहीं किया बल्कि एनडीटीवी से किया जिसको हम सब लोग बड़ा सेक्युलर लिबरल समझते हैं। अगर रिस्पॉन्स वहां से ये हो तो अब बताइए फिर किससे गुफ्तगू करें और किस चैनल पर जाकर और किस महाज पर जाकर गुफ्तगू करें। तो इसलिए आप हजरात चूंकि मीडिया में पहले से मौजूद हैं, माशाल्लाह आप टाइम्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी कोई छवि अच्छी नहीं है, और आप अपने ऑफिस में रहकर क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं,
क्या तासीर ला सकते हैं वो मैं नहीं ला सकता, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में हमें रिप्रेजेंट करते हैं। हम बाहर से बोलेंगे तो बाज मरतबा हमारी बात छपेगी और बाज मरतबा नहीं छपेगी, आप अंदर रहकर बोलेंगे तो ज्यादा असर पजीर होगा। इसलिए मुसलमान अफराद जो मीडिया में हैं वो वहां असल तब्दीली लाने की कोशिश करें, उलमा अपने हलके में तब्दीली लाने की कोशिश करें, दानिश्वर अपने हलके में तब्दीली लाने की कोशिश करें। जब गली गली तब्दीली की और मुस्बत तब्दीली की बात होगी तभी इस उम्मत के अंदर इस्लाह का पैगाम आम होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के कॉल से अपनी बात को पेश करूंगा कि बच्चे अपने आबा और अजदाद की बजाय ज़माने के ज़्यादा मुशाबा होते हैं। आज हमने देखा है कि उलमा और असरी उलूम के अंदर जो स्टूडेंट रहते हैं थोड़ा तंग मिजाजी वसी पसंदी की वजह से, तंग मिजाजी की वजह से बहुत से अख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने तकरीबन तमाम मकतब फ़िक्र चाहे अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो या जमात इस्लामी हो, इनकी जब उर्दू की किताबें देखी जाती है तो मुसलमान के अंदर जो इत्तेहाद और इत्तेफाक हो सकता है वो सिर्फ दो बुनियाद के ऊपर हो सकता है। उलमाओं की बुनियाद पर इत्तेहाद और इत्तेफाक कतई नहीं हो सकता। एक है कुरान, दूसरी है हदीस। मैंने देखा कि अक्सर कहीं तक 15-20 साल मैंने तकरीबन हैदराबाद, मुंबई, बहुत सी जगह देखा भी कि कई जगह पे जो है ना कुरान पे तो मुसलमानों में इत्तेफाक है लेकिन हदीस के मामले में इख्तलाफात है। उलमाए जो किताबें लिख रहे हैं उसके अंदर हदीस के दलाइल नहीं मौजूद है। जो मुसलमान है खासकर असरी उलूम के जो स्टूडेंट हैं या जो उनके लिए आखिरी जुमला जरा रिपीट कीजिए। उलमा जो किताब लिख रहे हैं, जो उलमा किताब लिख रहे हैं उसकी अक्सरियत कोई भी मकतब फिक्र की उन्होंने हदीस को नोट करने से जो है ना ये किया जिसकी बुनियाद पे हम क्या किया नहीं 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 नोट किया। बहुत सारी किताबें हैं, मैं बाकायदा 20-25 साल की किताबें आपको दे सकता हूँ जिसकी वजह से जो असली उलूम के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़कर फारिग हो रहे हैं जिनके अंदर ये फिक्र है कि मिल्लत में इत्तेहाद हो वो भी जो है ना इंतशार का शिकार हो गया। तो इसका काम करनी जरूरी है। आपने जो ये एक बात बताई कि उलमा के जरिए इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक मेटा नैरेटिव है, एक कायदा कुल्ली आपने जिक्र कर दिया कि भाई इख्तिलाफ तो उलमा ही करेंगे और इत्तेहाद की वहां कोई गुंजाइश ही नहीं। मैं मेरा अगर कुछ तारुफ हुआ है तो एक आलिम दीन की हैसियत से हुआ है और मैं यहां आपके सामने खड़े होकर अगर एक घंटे से इत्तेहाद की बात कर रहा हूं तो ये इल्जाम कहां तक सही है कि उलमा इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते। अगर एक भी कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि दूसरों की जो बोल नहीं रहे हैं उनकी भी ज़हनियत यही है, उनकी भी मेंटालिटी यही है। हाँ, आपने ये सूए इत्तेफाक रहा होगा, कुछ कुछ किताबें ऐसी आपने देख ली होंगी कि जिससे उम्मत में इख्तलाफ की खलीज वसी हुई है और इस बात का एतराफ़ है, इसमें कोई शक नहीं, इख्तलाफ वैसे ही नहीं हो गया, किताबें लिखी गई हैं, मुनाजरे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है और बात यही तो हो रही है कि मुनाजरे बंद हों, बात यही तो हो रही है कि एक दूसरे को के साथ बैठें, उठें और समझने की कोशिश करें। और जब ये तहरीक उलमा की तरफ से चलेगी तो इंशाल्लाह उसका असर निकलेगा और सामने आएगा। हमारे बच्चे 90% असली उलूम में जाते हैं, अक्सर वो हमारी जरूरत भी नहीं पूरी कर पाते। जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। मैंने एक साहब ने मुझसे कहा कि भाई उलमा ने, मदारिस ने दुनिया को क्या दिया है, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं किसी यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं हूं लेकिन एक यूनिवर्सिटी हमारे दरमियान जो हमारा सरमाया और असासा है इस बुनियाद पर कायम हुई थी कि वो मुसलमानों को दुनियावी एतबार से उरूज पर लेकर जाएगी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस यूनिवर्सिटी से कितने ऐसे साइंसदान निकले हैं कि जिन्होंने इस दुनिया में इनकलाब बरपा किया हो अपनी साइंसी तालीम के नतीजे में। हाँ, आईटी इंजीनियर्स बहुत सारे निकले हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम कर रहे हैं, यानी जाती फायदा तो हुआ है और उसका कोई उसकी कोई मुखालफत नहीं है, जाहिर है कि जाती फायदा भी एक बहुत अहम चीज है। लेकिन जब बात कौम के फायदे की आती है तो मैं ये पूछता हूं कि हो सकता है कि मेरे नाकिस इल्म में वो नाम ना हो लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, क्या याहू के पास CEOs अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फारिग हैं या नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान के हैं, आपके गूगल का CEO भी हिंदुस्तान का है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO भी हिंदुस्तान का है, याहू में भी है, हॉटमेल में भी है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्यों नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत अहम सवाल है कि जो दानिश्वर तबके से किया जाना चाहिए और इसका इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम
ना यूनिवर्सिटी चलाते हैं ना हम उस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, हाँ फिक्र जरूर रखते हैं। जिस तरीके से हमसे सवाल होता है कि उलमा ने कौम को क्या दिया है, ये सवाल हम भी करना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या मुस्लिम इदारे, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, जामा मिलिया ले रहे हैं आप, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ले लीजिए या दीगर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज इस्लाम के नाम पर और मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए कायम हुई थी, वहां से कितने साइंटिस्ट निकले हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदला है। एक तो कम से कम स्टीव जॉब होता कि जिसका फोन हम अपने जेबों में रखकर फख्र महसूस करते। मेरा ये पूछना है कि जैसे उलमाए कराम की जमात जो है हर फील्ड में अलहमदुलिल्लाह काम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि नहीं अनिल मुनकर के जो प्रैक्टिकल शोबे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या जो भी करेक्शन सेंटर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, इसमें उलमाए कराम की पूरी जमात नहीं लेकिन एक मोहतद भी जमात अगर जाती है तो हम क्यों ना इसके तरफ तवज्जो दे और नहीं अनिल मुनकर के काम जो है उस पर ध्यान दे। किसी मकसद से आया हूँ यहाँ, उसका रीजन ये है कि मैंने देखा 70,000 मुस्लिम बच्चे बगैर किसी गुनाह के महाराष्ट्र में कैद में है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं उनके लिए क्रिमिनल जस्टिस के लिए कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए। अभी वो कोई मीडिया में तो बोलेगा मीडिया, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम नहीं अनिल मुनकर का इम्प्लीमेंटेशन उलमा कितना कर रहे हैं मेरे ऑब्जर्वेशन में, मैं भी आलिम हूँ बहुत कम करते हैं, मतलब तकरीर की हद तक तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग थोड़े कम नजर आ रहे हैं। इससे मैं कह रहा हूँ क्या इस पर हम आप मिलकर कोई तहरीक कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल, ये एक बहुत मुफीद मशवरा है और गालिबन मैं अपनी महदूद मालूमात के बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि अभी मैं औरंगाबाद में था तो वहाँ मुझे एक साहब ने जो जमीयत उलमा हिंद से ताल्लुक़ रखते थे और माशाल्लाह जमीयत उलमा हिंद उलमा का एक बड़ी जमात है जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, तो मौलाना महमूद मदनी की जो जमीयत उलमा हिंद है उन्होंने एक तहरीक चलाई नशाखोरी के खिलाफ और जनाब गैम्बलिंग के खिलाफ, तो इस तरह की तहरीक मेरी मालूमात में शायद किसी मुस्लिम और खुसूसन उलमा की जमात ने इससे पहले नहीं चलाई थी। ये एक बहुत मुफीद इनिशिएटिव था और इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया मीडिया में, तो अगर इसका दायरा वसी कर दिया जाए तो आप जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान छोटे छोटे जराइम के अंदर कैद में हैं तो उस पर यकीनन काबू पाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जनाब एक सवाल ये है कि चार मतलब स्कूल ऑफ थॉट है हिंदुस्तान में जो है शिया लॉ है हनफी लॉ है सब ये अभी तक जो है मतलब कोडिफिकेशन का काम क्यों नहीं है, सुनना चाहिए था लॉ जितने भी है शरीयत की हर चीज में अगर मतलब कोडिफाई हो जाए तो बहुत सी सारी चीजें जो है। देखिए असल में क्वालिफिकेशन की तरफ हमारी तवज्जो उस वक्त जाएगी जब हम हमारा जहन इससे हटे कि पर्सनल लॉ को हम सर्वाइव करा सकते हैं या नहीं करा सकते। गुज़िश्ता आज़ादी के वास्ते तो हम इसी तगोदो में और इसी फिक्र में हैं कि ये बाकी भी रहेगा या नहीं, रोजाना इसी ताल्लुक से सेमिनार हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, स्टेटमेंट जा रहे हैं। एक तरफ अगर जहन हो जाए कि हाँ भाई अब पर्सनल लॉ आपका है इसको कोई टच नहीं करेगा या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इसको कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो अब बात क्वालिफिकेशन की आए, बात अगले मरहले की तो जब आएगी जब पहला मरहला तय हो, यहाँ हम यही उलझे हुए हैं तो आगे की बात कहाँ से करें, लेकिन है बहुत अहम। लेकिन हम इस चीज को मतलब ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम मतलब क्वालिफाई कर दें तो शायद वो मतलब कल को कुछ नहीं हो पाए, ये तो क्या आप ये समझते हैं कि वाकई ये मसले का हल है? आप बहसियत लॉयर के मुझे बताइए एक वजह इसमें मेरे साथ ये भी हो सकती है कि हम इसको मतलब क्वालिफाई कर दें क्योंकि अब तो ये क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है शाहबानो केस के बाद जो है अब तो ये कि हमारे समझो मतलब बेडरूम तक आ गई है मतलब हमारे ये तो रॉ में तो इट्स वेरी मतलब अलार्मिंग है ये। राइट, यही मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी फील्ड है क्वालिफाई अगर मतलब हो के मतलब एटीट्यूड में आ गए तब तो मतलब मैं समझता हूँ मामला जो था हल हो सकता है इसमें। हम मैं जो गवर्नमेंट कॉमन सिविल कोड को इसके सहारे हमारे बेडरूम तक आई है क्या इसलिए आई है कि पर्सनल लॉ कोडिफाइड नहीं था? नहीं, उनको तो ये तकलीफ है कि बाकी कौमों के पर्सनल लॉ तो डाइल्यूट हो गए मतलब हिंदू कोड बन गया, हम लोग जो है मतलब प्योर सेंस में क्यों है एक दर तो ये भी हो सकता है तो अगर हम इसको मतलब समझे कि कोडिफाई करके मतलब कवर कर लें तो शायद वो चीज ना भी हो। नहीं, मैं उसके नफा बख्श होने से इनकार नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन मैं इसके जो राउट कौन सा हो जो लेकर हम इस मसले को हल कर सकें, मुझे उस पर सवाल है, कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि एक सवाल है, मैं इसे समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं इससे इंटरेस्ट रखता हूं कि वाकई इस मुल्क में पसंद अल्लाह का होगा क्या। तो अगर कोडिफिकेशन वाकई मसले का हल है तो यकीनन उलमा को और दानिशवरान को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि यहाँ नीयत की खराबी का दखल है कि अरबाब इक्तदार ये नहीं चाहते कि आप आज़ादी के साथ अपने मजहब पर और अपने अपनी शरीयत के ऊपर अमल करें। इसीलिए मसला ये नहीं उठा मीडिया के अंदर कि जनाब जो इस्लामिक लॉ है पर्सनल लॉ वो कोडिफाइड नहीं है, बल्कि मसला ये उठा कि ये एक जालिम कानून है जिससे औरतों पर जुल्म होता है। तो जब सवाल इस तरीके के हों तो इससे नीयतों का पता चलता है। उसके अलावा इस्लाम के ऊपर ही है ना और भी दूसरे भी लोगों के कोर्ट्स हैं, तो वो कहाँ डिफाइंड है आदिवासी? आप तो सवाल न करें तो अच्छा ही है। नहीं नहीं मैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी बात जिसने आपने जब तारिक जमील साहब की जो जिक्र किया और हदीस का उसमें हवाला जो पेश किया वो हकीकत है और इतिहाद की हम लोग बातें करते हैं और मैं थोड़ा पेपर से भी वाबस्ता रहा हूँ एजुकेशन के साथ साथ, तो मैं तकरीबन पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि इतिहाद की बातें हम लोग कर रहे हैं, हर जगह हो रही है, पूरे इंडिया में हो रही है और शायद इंडिया के बाहर तो होती होगी आई डोंट नो, लेकिन इंडिया में तो हो रही है। मैंने आज तक के मेरा एक ख्वाहिश है कि इत्तेहाद का प्रोसेस क्या होगा। एक आपने एक रास्ता बताया कि हम अपने दिलों में कीना नहीं रखें, लेकिन बज़ाहिर क्या कोई ऐसा हमारे पास टूल है या कोई ऐसा मेथड है कि जिसको हम, चूंकि आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं और ख्वाहिश है माशाल्लाह, एक बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि एक बरेलवी आलिम को आपने फ़ोन किया, तो क्या ऐसा कोई एक एक कॉमन मेथड है हमारे पास जिसको हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि इस मेथड को कम अज कम हर फिरके का मुसलमान पकड़ सकता है और उसके बेसिस के ऊपर हम आगे बढ़ सकते। कुरान करीम में मेथड मौजूद है, वानल मसाजिद लिल्लाह, जब इस मेथड को आप अप्लाई कर देंगे तो ये सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये वानल मसाजिद लिल्लाह की बजाय हो गया वानल मसाजिद लिल बरेलवीयीन, वानल मसाजिद लिल दियोबंदीयीन। तो जब लिल्लाह में जो लाम हर्फ जर है उसका मजरूर हमने जब बदल दिया तो जाहिर सी बात है कि हम सब मजरूर होकर रह गए। यही असल मसला है सारा।